हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ बेस। सबसे पहले हम बात करते हैं एक टीम के बारे में जिसका नाम है ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, जो कि बीजेएस के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई हो गई है। उस टीम के ऊपर हैकिंग के एलिगेशन लगे हैं। उनके कुछ क्लिप्स भी स्नेहल के पास आए हैं, तो वो क्लिप्स आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको बीजेएमआई कम्युनिटी की न्यूज सबसे पहले देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एफवाईडी ईस्पोर्ट्स से डायरेक्ट मुझे मैसेज आया है, हेलो दिस इज एफवाईडी ईस्पोर्ट्स, आई हैव सम क्लिप्स ऑफ गॉडबर्ट, ही इज अ हैकर, गॉट बैन फ्रॉम मेनी और मेरी ऑर्ग्स। गॉडबर्ट ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग का ही प्लेयर है। वेट, ये सुनना भाई। तो गया भाई। ऊपर से पूरे भाई। तो पीछे से क्यों नहीं आ रहा यार ये? अरे अरे अब ये कैसे दे रहा है भाई? ये क्या है तो पीछे से क्या है? जादू हो गया, जादू मार। अरे ये कैसे पड़ गया भाई? साइड से तो नहीं पड़ी है कहीं? अरे नहीं भाई, साइड दरवाजा ग्लिच वगैरह तो नहीं है तो क्या है? अरे तो भाई ग्लिच तो तुम्हारी विजिबिलिटी खत्म कर देगा। कोई नहीं आएगा भाई, ये जॉर्ज एफपी भाई। पापा बोलते लिखा है, नाम क्या है ये? पापा बोलते प्लेयर बोलते ऐसे कुछ जो भी है। खैर देखते रहो भाई। अरे बाबा अब पिकअप उधर को आया, गड़ी गई चलावा। हां चलावा देखो ये रहा ये। अरे भाई हम तो बोलना पागल हो गया क्या भाई? एक चीज मैं मान सकता हूँ, एक बार कोई मैं मान सकता हूँ कि अगर यहाँ से बंदा जो गेट है वो रेंडर नहीं हो रहा, बट ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि गेट है तो रेंडर नहीं हो रहा इसके पीओवी से, तो इसके पीओवी से गोली आर पार जाने लग जाएगी। आर पार नहीं जाएगी कभी भी आर पार नहीं जाएगी। तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम्हारी गोली टकराती रहेगी दरवाजे पे, लेकिन आर पार तो नहीं जाएगी। अब आएगा नहीं, पीछे पड़ गया है तूने। ये देखो पूरा दरवाजा तोड़ के भाई साहब। ले लो ना ताकि अगले जोन में निकल पाए। मिल जाएगा आराम से, ऑल आउट रखो लेफ्ट सब जगह है जोन अपने पे। अब उधर चलो खाली था वेयर हाउस लगा। खाली था जल्दी चल। पक्का अरे तराना भाई, उन्हें इतनी दूर का कंपाउंड कैसे पता खाली है भाई? भाई स्टेटमेंट है सीधे, खाली है, चल 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 चल। गॉडबॉट ने बोला है चल भाई। गॉडबॉट है फिर भी भाई। एफआईडी वाले ने यही बोला मुझे, कोई कॉन्टेक्स्ट दे दो। अरे बात चल रही है भाई यहाँ पे टीम ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग की। ये देखो फॉलोआउट सुनो पक्का। चल ये जोन प्रॉब्लम भी होगा। उधर चलो खाली था वेयर हाउस लगा। चल खाली था नहीं पता है ना, कंपाउंड की तरफ देखा कुछ सीधा चलो भाई। इतनी दूर का कंपाउंड कैसे? चेक करके जा, हम आई रहे। कौन आएगा उधर? अरे ये सुना, चेक करके क्या स्क्वाड वाला एरिया ले। ये कंपाउंड की बात कर रहा हूं। हां ले ले स्क्वाड वाला एरिया ले ले। वो इतनी दूर का कंपाउंड कैसे पता चल जाएगा तुम्हें? वो ये जो यहाँ पे वेयर हाउस रहता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद स्नेहल ओपी ने एक्सपोज किया गेम स्ट्रेंज को। वो पूरी क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाई के चैनल का नाम है ये, ठीक है। काफी हार्ड वर्क करके 6.5 लाख सब्सक्राइबर्स गेन करे। देखो मैं वो चीज नहीं बोल रहा कि काम आप गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन एक चीज होती है ह्यूमिलिटी नाम की। तुम कितनी भी हाइट पे पहुंच जाओ यार, इंसान को ग्राउंडेड रहना चाहिए। और चलो तुम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हो तो भी भाई तुम एटलीस्ट दूसरों को तो ये मत दिखाओ कि तुम बहुत ही बड़े आदमी हो। अपने अंदर रखो उस चीज को। तुम दूसरों को नीचा के दिखा रहे हो, स्पेशली अपने सब्सक्राइबर्स को। ये है वो क्लिप गेम स्ट्रेंज की 6 दिन पहले वाली स्ट्रीम है ये, बीजेएमआई लाइव हर गेम चिकन, ठीक है। यहाँ पे भाई ने टीम कोड दिया, इतना सुन लो। टीम कोड दिया, टीम कोड से एक बंदा आएगा नया, रैंडम बंदा आएगा। और क्या होता है देखो, लेट्स सी। लेगेसी भी खेल सकता हूं। हां लेगेसी एक्चुअली आया बंदा, देखो। हेलो माइक है क्या? हेलो माइक है क्या? हेलो आवाज नहीं आ रही। हां भाई आवाज नहीं आ रही यार, मेरी आवाज नहीं आ रही का मतलब तुम कुछ और है यहाँ पे। वो ये नहीं कह रहा आवाज नहीं आ रही यार, आवाज नहीं आ रही यार का मतलब कुछ और है। सुनना, आवाज नहीं आ रही। हेलो यार कोई रेगुलर व्यूअर क्यों नहीं आता है यार, तुम्हें रूल से नहीं पता गया है। मेरा गया हो गया टाइम खत्म। कौन सा टाइम खत्म कर दिया? और सुनो रूल्स नहीं पता। आज आ जा करीब जल्दी यार, कंप्लीट हो गया उसका। अब यही वैम्प गेमिंग, अरे बहन वैम्प गेमिंग इसको किक कर दिया। यही वैम्प गेमिंग चैट में गया, इसने पूछा भाई क्यों किक करा। अब अरे वैम्प गेमिंग हमारा एक रूल है कि जो भी टीम कोड से आएगा सबसे पहले आगे से जोर से चिल्लाएगा भाई बिग फैन, ये वो कभी सोचा नहीं था खेलूंगा ये वो, तो वैसा होना चाहिए। गॉड ऑफ दूसरी आईडी से आप फटाफट जल्दी जल्दी, मतलब ऐसा होना चाहिए। तुम हमारा रूल है कोई भी उसपे आएगा टीम कोड से तो पहले बोलेगा कि भाई बिग फैन और कभी सोचा नहीं था खेलने को मिलेगा। और तभी वो कह रहा आवाज नहीं आ रहा यार, आवाज नहीं आ रहा, मतलब ये कि वो हेलो हेलो कर रहा है। तो इसने बोला आवाज नहीं आ रहा, मतलब तू बोल भाई, बोलना शुरू कर कि बिग फैन ये कर, चार्ट मेरी बेसिकली मेरी चार्टना शुरू कर, स्ट्रीम पे दिखा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। और गुस्सा ये बात मुझे इसलिए पता लग गई कि ये बंदा मेरा दोस्त है, वैम्प गेमिंग बैकग्राउंड में मेरे साथ खेलता हुआ देखेगा, उसने ये चीज मुझे को रैंडमली भेजी, भाई देखो ये चीज है। मेरे को उतना गुस्सा है, मैंने कहा भाई मैं स्ट्रीम पे इस चीज को डिस्कस करूंगा ही करूंगा। और कोई और भी बंदा मेरे को भेजता तो भी मैं कवर करता कि भाई मेरा दोस्त वो मैटर नहीं करता, कौन है वो मैटर नहीं करता, तुम खुद बुला रहे हो सामने वाले को, ये क्या लॉजिक है। आवाज नहीं आ रही यार, आवाज नहीं आ रही यार, भाई इतनी बड़ी कौन सी तोप मार रखी है तुमने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।